vacation. एक टेंशन ये है कि मेरा बहुत बड़ा अमाउंट डूब जाने के ज्यादा चांस है. मान लो उनकी वीडियो आई और बगल में मेरी भी वीडियो चल रही है और आप लोगों ने बोला कि सुहाग ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा है तो मेरा वो बहुत बड़ा अमाउंट डूब जाएगा ना. अरे हाँ कि ना. अरे हाँ हाँ. चलो बोलो साहब. मेंसुरेशन टू का डाउट कोई बच्चा नहीं पूछ पाया अभी तक एक भी और आज डाउट है तो हाथ उठाओ. चलो ठीक है. पहले बहन बेटिया दीदी डाउट. पढ़ा नहीं दीदी तो कब मैं घर आके पढ़ाऊं क्या है. नहीं पहले आप पड़ोस में रहते थे तो पढ़ा दो ठीक है मगर अब आप भी दूर हम भी दूर. ये भी हमारे पड़ोसी के बच्चे हैं. वो सजल जैन हमारे बचपन के पड़ोस का बच्चा है. ऐसा ऐसा है. और फिलहाल इन दोनों का घर नजदीक है. अरे हाँ कि ना. बताओ. हाँ दीदी को डाउट. क्या नाम दीदी का. डाउट आपको डाउट है क्या. काली शर्ट वाली दीदी को बगल में अमेरिके झंडे वाली दीदी डाउट है क्या. आ जाओ जल्दी ले आओ. हाँ 17 1 7 एग्जाम्पल 1717 सीबीएसई ने वर्ष 2004 में पूछा था. क्वेश्चन बड़े गौर से सुनो. मेरा मानना है पेज नंबर नहीं बता रहा मैं नालायक. बुक उल्टी कर दे. उल्टी. हाँ अब सुन ले. काम के काम की चीजें नोट डाउन करना. पूरा क्वेश्चन नोट नहीं करना. पूरा क्वेश्चन नोट नॉट करना. यस यस. कितना जिंदगी ऊपर नीचे होती है. ये आईसीएससी के 9th क्लास के बच्चे हैं. आपका पूरा सिलेबस इनसे मैच होता है 90%. अटेंडेंस पे साइन कर दिए. लिखो लिखो नहीं काम के नोट पॉइंट लिखना. ये बैग ऊपर फेंक दो भैया. पकड़ के नहीं रखना. खाली जगह है तो भी अपने टेबल पे नहीं रखना. अ होलो कोन इज कट बाय अ पैरेलल प्लेन टू द बेस एंड द अपर पोर्शन इज रिमूव्ड. पूरा नहीं लिखना दोस्त. हेलो हाय नहीं लिखना. सुनो सुनो. इफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ रिमाइंडर इज 8/9. ये काम की चीज है. 8/9 लिख लो सिर्फ. इज 8/9 ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ होलोकोन. यानी सुनिए. मजा विठल मजा विठल पंडुरंग. क्या करा. कुर्बानी चढ़ाने की जगह बलि चढ़ा दी क्या. अरे हाँ ना. कुर्बानी कहां चढ़ती है. ईद के दिनों में.
और बलि कहां चढ़ती है? नवरात्रि में। उसमें गर्दन ही सीधी अलग करते, थोड़ा बहुत नहीं करते, क्या पूरा ही अलग कर देते एक बार में। तो इसके साथ क्या किया गया? बलि करी गई। क्या शक अलग, क्या बचा जिंदगी में? क्या बचा, क्या बचा? और इसकी गर्दन अलग पड़ी है, हिल रही है। यस, ये जो पूरा है कर्ड सरफेस एरिया वो है 9/9, मतलब कि 1। ये बचा 8/9, ये क्या बचा? दिमाग में क्वेश्चन ऐसे मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए कि हम हमारे काम का क्या क्या है। ठीक है दादा, फाइंड द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट इन टू विच द कोन एल्टीट्यूड इज डिवाइडेड बाय द प्लेन। इसकी हाइट को अपन ने एच मान लिया, तो अपन को एम इज टू एन बताना है। क्या आप लोग कोशिश करेंगे? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हाथ पर हाथ रखकर बैठने वालों की कभी जय जयकार नहीं होती। कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा मुझे याद दिलाओ। इसका कर्ड सरफेस एरिया कितना होता है? पाई आर एल। कैपिटल आर। कुछ कहना, कुछ कहना चाह रहे हो तो कह दो, आज तो आगे देखो ना लायक। दोनों हाथ टेबल के ऊपर रखो। इसका कर्ड सरफेस एरिया बताओ, छोटी आर क्या, और इसमें एल कैपिटल कर दो। इसकी वैल्यू कितनी है? चेहरे से, माथे से, गले से हाथ अड़ाओ। ठीक है, मेरे को H के टुकड़े कैसे हुए उसका रेशो बताना। करिए, सुनो सुनो, एक मिनट। मैंने क्वेश्चन बहुत सरल कर दिया। कैसे सरल कर दिया? सामने वाले ने जब क्वेश्चन बना के दिया था तो उसने क्या बोला था? इसका ये 8/9 है, उसने क्या बोला था? और बस, और कोई बात नहीं करी। फिर कहने लगे हाइट का रेशो बताओ। मैंने क्वेश्चन को सही डायरेक्शन में ले गया। ये गर्दन वर्दन अलग करी ना, अब ये तुम्हें लंबे दिनों तक याद रहेगा कि सुहाग ने बड़ा अजीब सा एग्जाम्पल दिया था। चेहरे से, माथे से, गले से हाथ हटाओ। सुनना, मैंने इसको 8/9 बोला तो इसको क्या बोला, और मैंने इसी को क्या लिखा? मैं इसका यूज ही नहीं करूंगा। एक्चुअली बच्चा क्या सोचेगा, ये फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन है, जबकि नहीं है। लगा बुद्धि, ये कौन का क्वेश्चन है? लगा,
कितने मिनट का समय दिया जाए आप लोगों को? आधा घंटा है? नहीं नहीं, डेढ़ मिनट स्टार्ट नाउ, 90 सेकंड्स। चेहरे से, माथे से, गले से हाथ हटाओ, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखो, घुटने टेकत रही तो हम बतावत रही, घुटने टेकत रही शब्द का मतलब जानते हो ना? इंग्लिश में क्या कहेंगे? सरेंडर कर देना। दूसरा आपने क्या शब्द यूज किया? नील डाउन, नी डाउन, नील डाउन। मेरे ख्याल से 2 मिनट पूरे हो गए। घुटने टेक रहे हो? अरे टेक रहे हो? अरे टेक दो यार। वन इज टू एट। बहुत अच्छे बच्चे हो। क्या नाम तुम्हारा? सर नारायण सिंह। और किसी से बना? क्या नाम भैया का? गोम सी यादव। बोलो भैया, बोलना कुछ तो, आंसर तो बोल। 1:8, वेरी गुड। और किसी का? किसी का जो भी जो आंसर हो वो रजिस्टर करवाया करो। पटेल का कुछ आया? कुछ नहीं आया। करेगा कुछ देश के लिए? करेगा है? एक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और एक तू है। क्या नाम तुम्हारा? देव पटेल। राम राम। अपन ने रिकवरी में क्या क्या पढ़ा मेरे से? तो रिकवरी करने आते हो? कल आए थे? परसों तो संडे था। नहीं, आप कल जो थर्सडे है, कल आप स्कूल से घर जाओ या स्कूल से सीधे यहां आ जाओ। आपका स्कूल तो मेरे ऑफिस के सबसे नजदीक है। 2-3 टिफिन लेके चलो घर से, सीधे मेरे पास आओ यूनिफॉर्म में, दिन भर पढ़ाई करो।
या एक ड्रेस लेकर आना, वॉशरूम में चेंज कर लेना, मगर आप यहां रहो, पढ़ाई करो। नहीं तो मालूम सिर्फ ये 2 घंटे की क्लास अटेंड करके चले जाओगे तो कैसे सीख पाओगे? तुम रोज आते हो ना, खूब देर देर तक रिकवरी करते हो ना, एक दिन आगे पीछे आप दोनों का एडमिशन हुआ है। ओ साफ, क्या हाल चाल है? 1:9, यस, वेरी गुड, सबको वेरी गुड। क्यों? सबका सम्मान है, सबका स्वागत है। आइए बोर्ड पे देखना, अपना कुछ आंसर नहीं आया दीदी। 1:2 किसका? m:n है 1:3 या m:h है 1:3? क्या है 1:3? क्या आया है? ला कॉपी लेकर आए इधर। अरे इधर तो आओ दीदी, कॉपी तो लेकर। अरे कॉपी तो लाओ इधर। m:h है कि m:n है? तो इसको आप 1/9 को 1/3 क्यों बोल रहे हो, थोड़ा बताओ। 1/9 है वो, तो आपने अचानक 1/3 का फैसला क्यों दिया? बोलो। बोलो। कॉपी पेन लेकर आओ, यहां बैठो। दीदी का आंसर सही है, इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई कि इनका आंसर सही है। दीदी में काबिलियत है, बहुत अच्छा कर सकती हैं, मगर दीदी दिल पढ़ाई में लगाए। मैथ साइंस लेंगे अगले साल, क्या लेंगे? तो ये IIT बॉम्बे जा सकती हैं, मगर इन्होंने दिमाग इधर उधर उलझा दिया तो मालूम TIT हो जाएगा। IIT की जगह क्या हो जाएगा? आपने नाम सुना है IIT और TIT? आप क्या लेंगे 11th क्लास में? मैथ साइंस लेंगे, BCA। IIT का फुल फॉर्म जानते हैं आप लोग क्या? आपने क्या बोला था पहले? इंडियन ही बोला था। और TIT का फुल फॉर्म? प्रश्न है, क्वेश्चन क्या है? तो सुनो, जो बच्चा IIT पहुंचता है उसके लक्षण, वो कहता है मैं मेहनत करूंगा, नहीं बनेगा मैं फिर से कोशिश करूंगा, फिर टीचर से कहूंगा कि हेल्प करो। अब जो बच्चा TIT जाता है वो सुनो क्या कहता, टीचर बोर्ड पे लिखेगा मैं उसे छापूंगा, फिर टीचर अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखेगा। ये है फुल फॉर्म, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फुल फॉर्म नहीं है, फुल फॉर्म क्या है? ये है। तो ये मुझे थोड़े थोड़े दिनों में आपको याद दिलाना पड़ता है, जोश वापस जगाना पड़ता है। दीदी का आंसर सही है, और खास बात क्या है कि कम स्टेप में आंसर है। मेरा आंसर और भी कम स्टेप में आएगा, बोर्ड पे देखना, बड़े ध्यान से देखना दोस्तों, गेम देखना आप, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सुनना।
पाई आर एल अपॉन पाई आर एल आर एल अपॉन आर एल हाँ, बड़े ध्यान से सुनना, मुझे एक बात बताओ, अरे दीदी यहां देखो, ये कौन है? पापा। वो कौन है? ये एम है, ये एच है, वो एल है, ये एल है, ये आर है, ये एक्चुअली मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये एम है, मतलब मैं आधा ट्रेंगल यूज कर रहा हूं, हाथ से चेहरा हटाओ, आया समझ में? ए बी सी डी ई, ए बी ई, बी सी डी ई, ए सी डी ए बी ई, मैं ये बातें कर रहा हूं। मुझे बड़े प्यार से एक बात बताओ, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखाई देते हैं? मैंने सिमिलर ट्रायंगल नहीं पढ़ाया, मगर मैं उसका यूज करता हूं, और मुझे हर कहीं सिमिलर ट्रायंगल दिखने लगते हैं। ये एंगल तो कॉमन है ही, आप में से कितने लोग समर वेकेशन में बाहर घूमने जाएंगे, या हर साल जाते ही हैं? और जाना चाहिए, क्योंकि साल भर फिर हम जम के मेहनत करेंगे, तो समर वेकेशन में या अभी ठंड की वेकेशन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, वो वाली वेकेशन में 3-4 दिन का मौका मिलता है और आप लोग बाहर घूमने जाते हो तो हाथ उठाओ। ले को पटेल, तुम कहां गए थे अभी पिछले साल? हाँ, कहां गए थे तुम? बैंकॉक हो यार भैया, छोटी बात ही नहीं करते हम गुजराती लोग। हाथ उठाओ ना। आपको मैं बोलूं एक खास जगह घूमने जाने मम्मी पापा के साथ, और 4 दिन का विजिट है, तो क्या जा सकते हो? छुट्टी मिले तो 4 दिन की, पापा को ऑफिस की, तो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। सुनो मेरी बात, सुनो, अभी पेरेंट्स बात करें ना कि यहां यहां घूमने जाना है, या पापा को 3-4 दिन की ऑफिस छुट्टी मिले, दुकान की छुट्टी मिले, तो उनसे कहना कि हमको मैथ साइंस जैसे कि लेना है, और हमको आईआईटी बॉम्बे जाने की इच्छा है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कि आपने मान लो कभी नहीं देखा एप्पल का लैपटॉप, कभी नहीं देखा, आपके सामने एचपी का बहुत खूबसूरत वाला है। अब कोई एप्पल की दिन भर तारीफ करता रहे, तुम अपने एचपी से खुश हो ना, तो तुम्हें कोई आकर्षण पैदा नहीं होगा किसके लिए? एप्पल के लैपटॉप के लिए। आप देखना, पिज्जा की एड आती है तो सिर्फ पिज्जा का मालिक खड़ा होकर नहीं बोलता कि मेरा पिज्जा अच्छा है, मेरा पिज्जा अच्छा है, क्या करते हैं वो हरामखोर, गरम गरम धुआं निकलता हुआ पिज्जा ऐसे काट के तोड़ते हैं, उसमें से सफेद तार बनते हुए दिखते, अपनी इच्छा हो जाए साला अब भी बुक करो। तो आपको आईआईटी बॉम्बे क्या है ये नहीं मालूम, एक विजिट करो, मम्मी पापा से बोलो कि आईआईटी बॉम्बे देखना है, अंदर घुस के देखना, और आप अपने स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड ले जाना, वहां गार्ड को दिखाना कि भाई साहब मैं ये बच्चा हूं, ये मम्मी पापा के साथ आया हूं, मुझे अंदर एक राउंड हो जान दो प्लीज। गिर जाना उसके पैरों में चौकीदार के, अपना मैनिट है ना, मैनिट माता मंदिर चौराहे पे,
उसमें तुम सनसनाती कार अंदर घुस रहे हो, कोई रोकता है क्या? पूरा मिनट घूम आओ, वैसे ही वहां पर होगा। अरे आतंकवादी संसद तक घुस जाते हैं यार, तो हम तो खाली हाथ आईआईटी में घुसना चाह रहे हैं, कौन मना करेगा? वहां की भव्यता देख कर आओ, फिर इच्छा जगेगी। यहां अपने शहर में बस चलती है ना सफेद कलर वाली, 2 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, यहां से वहां छोड़ेगी। वहां कॉलेज के अंदर बस चलती है, क्लासरूम से हॉस्टल, हॉस्टल से लाइब्रेरी। तुम सोचो कितना बड़ा कैंपस होगा। जिस बिल्डिंग में तुम बैठे हो ऐसी 6 बिल्डिंग चिपका दो, इसका खड़ा होके कभी साइज देखना कितना बड़ा है। आर पार बिल्डिंग है मेरी, वहां भी खुली इधर भी खुली, और मैं ऐसी 6 बिल्डिंग चिपकाने को बोल रहा हूं। वैसा एक हॉस्टल, वैसा दूसरा हॉस्टल, और वैसा तीसरा हॉस्टल, और इस पूरे का जो बेसमेंट है वो कैंटीन, और इस हॉस्टल, ये 3 हॉस्टल को मिला के नाम है ब्लॉक ए, फिर बहुत दूर जाके बी, इसी 3 स्टार की फॉर्म में, और ये एंट्रेंस है इसका। बेसमेंट में आप जाओ तो खाना मिलेगा, और ऊपर चढ़ जाओ तो 3 फ्लोर हॉस्टल ही हॉस्टल। वहां अलग अलग ग्राउंड है, बास्केटबॉल के, फुटबॉल के, घोड़े दौड़ाने के, सारी सुविधाएं। तुम सोचो तो सही, आईआईटी बॉम्बे कितना बड़ा होगा कि उसके अंदर तालाब है भाई, जैसे ताजुल मजाजिद के अंदर मोतिया तालाब है, तो भव्यता वहीं समझ में आती है कि मस्जिद कितनी बड़ी होगी। उसके अंदर तालाब है, मैं देखकर आया हूं ये सब। और आप अंदर जब खाना खाने घुसते हैं ना, तो सिर्फ अपना आइडेंटिटी कार्ड या टोकन दिखा दो, या पेरेंट्स आए हैं तो 20 रुपए की थाली, क्या? अब बस आप थाली उठा लो और चलते चलो, उनके स्टाफ खड़े होंगे, रोटी पराठा पूड़ी क्या चाहिए रखा है सब वो पटक देंगे, फिर आगे सर को ये बहुत सारी चीजें, बस आप लेते जाओ सुकून से खाओ। उसके बाद यदि आप दूध पीते हो सुबेरे, तो दूध भी मिलेगा, और वहां सारे ऑप्शन होंगे, हल्दी डालना है कि बॉर्नविटा की हॉर्लिक्स, कोई नॉनवेज वाला है तो उसके लिए भी सारी सुविधाएं, क्योंकि खाना तो खाना ही है, टेबल अलग है, काउंटर्स अलग है, मतलब वेल मैनेज। कॉलेज के अंदर जिम है, आप जिम करो 4 साल, नहीं तो कैसे हो जाओगे तुम? पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट हेल्थ है। हॉस्टल का एक मुख्य कमरा है जिसके अंदर लाइब्रेरी है, सभी हॉस्टल की अलग अलग। वो हॉल बहुत बड़ा हॉल है, बहुत बड़ा, उसमें टीवी लटक रही है बीच में, उसका सीडी प्लेयर इधर है, तुम उसमें सीडी डालो, रिमोट हाथ में लो और काई पे बैठ जाओ, पलंग लगे हैं, लेटे लेटे फिल्म देखो। तुम दोस्तों को रात को 2 बजे इच्छा हुई बास्केटबॉल खेलने की, तो ग्राउंड की सारी लाइट्स ऑन करो और खेलो। क्यों इतनी सुविधाएं दे रहे हैं? तुम आईआईटी एग्जाम में टॉप 500 में आए हो,